आपको बता दें, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। बता दें 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। इन 31 जिलों में इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें भारी बारिश का अलर्ट इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में जारी किया गया है। बैतूल, बुरहानपुर, खरगोर और बड़वानी में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। अलीराजपुर, धार और सिवनी में भी भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का कहना है। एमपी में 3 दिन एक तेज बारिश का दौर फिर से लौटने वाला है। आपको बता दें अभी कुछ दिनों से एमपी में बारिश का दौर थमा हुआ है, जिसके बाद अब तीन दिन तेज बारिश का दौर में एमपी में वापस लौट सकता है। 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें बड़ी खबर, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा अलीराजपुर, धार, सिवनी में भी तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें इस मानसून में मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है, जिसके बाद भी लगातार बारिश जारी है। पूरे सितंबर महीने से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके बाद 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट फिर जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अलीराजपुर, धार और सिवनी में भी बारिश हो सकती है, यह कहना है मौसम विभाग का। एमपी में 3 दिन का बारिश का दौर एक बार फिर लौटने वाला है, जिसके तहत 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लौट सकता है एक बार फिर।